गुड मॉर्निंग सुप्रभात, केम छो, उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, मान लो उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या वो करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, कॉमन सा टॉपिक है, बार बार इसी मुद्दे पर बात करता हूँ, लेकिन हर बार एक अलग एग्जाम्पल और अलग एंगल से मैं बात करता हूँ। कारण यह है कि यही वो समस्या है, सबसे कॉमन है कि हम कई बार छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या परिणाम वाकई में मिलते हैं? यदि हम कोशिश करते रहे तो क्या एट द एंड ऑफ द डे, यानी कभी ना कभी हम जो है सफल होंगे उसके लिए? तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन लगातार उठता रहता है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब मैं जो है वो अपना MBA कर रहा था, मैंने आपको बताया है कि मैंने MBBS भी किया है, मैंने PG भी किया है मेडिसिन में मैंने, और उसके बाद मैंने जो है वो MBA भी किया हुआ है। मैंने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में पढ़ता रहा हूँ। मैं केवल ये जानना चाहता था कि MBA में क्या बतलाते हैं, ऐसा कि लोग बोलते हैं ना कि इतने लाख का पैकेज, उतने लाख का पैकेज, ऐसा क्या है MBA में कि लोग पब्लिक जो है वो मतलब एक प्रकार से वो जिसे बोलते ना कि एकदम जो है वो दीवानापन टाइप का है। एक जमाने में ऐसा बीच में कभी 10-20 साल पहले MBA का बड़ा क्रेज रहा है, तो मैंने सोचा चलो हम भी करके देखते हैं एक बार ये है क्या चीज। पर्पस कुछ था नहीं, पर्पस केवल इतना था कि ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है, आप मुझे बताएंगे ना कि आपको कोई विद्या आती है तो मैं जरूर निश्चित रूप से आपसे सीखने लगूंगा। ठीक है, कारण ये है कि सीखना कभी बुरा नहीं होता है, हमेशा बेहतर होता है। तो किसी ने कहा कि भाई MBA कर लोगे तो आप कल को अपना अस्पताल होगा, उसे मैनेज करने में आपको सुविधा होगी, आप MBA कर लोगे तो आपको बहुत सारा एक नॉलेज मिलेगा आपको। तो मैंने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भोपाल के अंदर जो बॉम्बे के अंदर एक बेस्ट MBA कॉलेज है, आप जानते होंगे कि वो है SPGEN करके, कि आप गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। तो वहां से मैंने जो है वो MBA किया, तो मुझे वहां पे कई सारे हार्वर्ड केस स्टडीज पढ़ने मिले, जहां पर हार्वर्ड के बारे में, जो वहां पर केस स्टडीज के बारे में कि क्या हुआ कैसा। तो वहां पे पढ़ाने का MBA में पढ़ाने का तरीका है कि कहानियां सुनाते हैं। MBA में और MBBS में जमीन आसमान का फर्क है। MBBS में जो है वो प्रोफेसर एकदम जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा, बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन MBA में आपको कहानियां सुननी होती है और उसके आधार पे आपको जो है वो असाइनमेंट देते हैं, वो सॉल्व करना होता है। तो उन्होंने तब एक कहानी बताई कि एक अमेरिकन कंपनी है हस पपीज। आप जो लोग थोड़े बड़े शहरों में रहते हैं वो जानते होंगे कि हस पपीज इज ए गुड ब्रांड ऑफ शूज, के वो अवेलेबल है इंडिया में भी, अवेलेबल है आजकल ऑलमोस्ट हर पॉसिबल जगह पर जो है हमको मिल जाता है आजकल। तो बेसिकली मूलतः वो एक अमेरिकन कंपनी है, अब तो उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दिया है। तो हश पपीज जो है वो जूतों का बड़ा लीडिंग ब्रांड हुआ करता था एक जमाने में, ये बात है 90s के आसपास की। तो 90s में हश पपीज जो है शू का एक बड़ा ब्रांड था, लेकिन धीमे धीमे उसकी सेल्स में कमी आ रही थी, क्योंकि उन कंपनी को लग रहा था कि लगातार हमारे जूतों की बिक्री कम होती चली जा रही है। एक समय ऐसा आया कि कंपनी के केवल पूरी दुनिया भर में उसके केवल 30,000 जूतों के सेट बिके, जबकि प्रोडक्शन लाखों जूतों का प्रोडक्शन था उसका। कंपनी सदमे में आ गई, कंपनी के सारे डायरेक्टर सारे लोग जो है बड़े परेशान कि भाई हस पपीज के शूज नहीं बिक रहे हैं मार्केट में, लोगों में इनकी डिमांड नहीं है, और जो कॉम्पिटिटिव दूसरी कंपनियां जैसे एडिडास रिवॉक और दूसरी जो कंपनियां आई हैं, ये कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, और लेदर के शूज बनाने वाली हस पपीज का मार्केट एकदम जमीन पे आ गया, बॉटम पे आ गया। उन लोगों ने प्लान किया कि भाई हमें बहुत सारे कर्मचारी हटाने पड़ेंगे, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, अपनी कई सारी प्रोडक्शन यूनिट बंद करनी पड़ेगी। तो फिर लेकिन क्या था कि वहाँ कि एकदम से किसी को एम्प्लॉयमेंट से हटा नहीं सकते हैं, सब कुछ प्रोडक्शन भी बंद करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 6 महीने के बाद हम जो है अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे और बहुत सारे गैर जरूरी एम्प्लॉय उनको हटा देंगे, छोटी टीम से काम करेंगे, और क्योंकि हम लेदर का ब्रांड है हम एकदम से अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और पता नहीं हम यदि मॉडिफाई करेंगे तो भी रिवॉक के सामने एडिडास के सामने हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उसमें बड़ा कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी ने फाइनली डिसाइड किया कि भैया ऐसा है कि अब बहुत कर लिया हमने, अब हमको धंधे को छोटा करके चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डिसाइड हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, 6 महीने 7 महीने का टाइम दिया गया, 3 महीने के बाद अचानक से कंपनी की सेल्स में वृद्धि आने लगी, ग्रोथ आने लगी, 1 लाख जूतों का ऑर्डर मिला। डायरेक्टर ने बोला कि नहीं अचानक से जो है वो इतने ऑर्डर कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा सर ये अपना जो न्यूयॉर्क के आसपास के जो एरिया है, जो थोड़े सबर्ब वाले पिछड़े छोटे एरिया है, वहां के जो शूज के शॉप है, जो शू स्टोर है, वो ऑर्डर कर रहे हैं हस्पपीज को। तो क्या करें सर? उन्होंने कहा भाई अब बना तो रहे थे ऑलरेडी, दो बहुत स्टॉक रखा हमारे पास, तो दिया उन्होंने ऑर्डर, अगली बार दुगना होके आया।
6 महीने के अंदर उनकी कंपनी के ऑर्डर जो है वो जो जितना स्टॉक उनके पास भरा पड़ा था वो सारा बिक गया। अब हस पपीस के जो डायरेक्टर और जो उसके जो प्लानर थे, जो सीईओ थे, सब के सब जो है वो हैरान परेशान कि अचानक से हमने तो कोई एड भी नहीं दिया, हमने कोई विज्ञापन भी नहीं दिया, अचानक से ये हस पपीस की बिक्री कैसे बढ़ गई। हमारे जो ट्रेडिशनल पुराने शूज जो सबसे पहला मॉडल था लोग उसको मांग रहे, जो कम बिकता बिका करता था, आज जो है उसकी सेल सडनली बढ़ गई है। कंपनी के पास इतने ऑर्डर आए अगले 6 महीने के बाद में, इतने ऑर्डर आए कंपनी ने प्लान को थोड़ा और आगे बढ़ाया कि भाई देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। ऑर्डर लगातार हर महीने ऑर्डर दुगने हो रहे थे। जस्ट जो उन्होंने डेट डिसाइड की थी ना कि इस डेट को हम जो है वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे, बहुत सारे यूनिट बंद कर देंगे, कर्मचारी को निकाल देंगे, उस डेट पर कंपनी के पास नॉर्मल की तुलना में 6 गुना अधिक ऑर्डर थे। नाउ दे हैव टू सप्लाई 10 लाख पेयर ऑफ शूज। उन्होंने कहा भाई प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें तो एक नई यूनिट लगानी पड़ेगी, इतना डिमांड बढ़ रहा है इसका, क्योंकि ये डिमांड ऐसा है कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। 10 लाख आया, 15 लाख आया, मतलब वो कंपनी जो है वो एकदम से जो है पीक पर। और सबसे बड़ी बात ये कि उस दौरान फिर एक ट्रेंड चल गया कि न्यूयॉर्क के जितने भी फैशन डिजाइनर के शोज हुआ करते थे, जितने फैशन शोज थे, फिल्म स्टार्स थे, वो हस पपीस के शूज पहनने लगे। एक वहां पर एक बड़ा सा जो है न्यूयॉर्क में देखेंगे तो टाइम्स स्क्वायर एक बड़ी फेमस जगह है, वहां पर कई बिल्डिंग्स है, वहां पर हस पपीस का बड़ा सा शू जो है किसी डिजाइनर ने अपना नाम लिखा और हस पपीस का बड़ा सा शू लगा दिया उन्होंने बना के यहाँ पे, बहुत बड़े साइज करके कटआउट था वो पोस्टर करके। तो ऐसे करके हस पपीस रातों रात स्टार बन गया। जब उस साल ये जो बड़ी कंपनियां होती इनका भी आपस में कॉम्पिटिशन होता है, कुछ अवार्ड सेरेमनी थी, उस अवार्ड में हस पपीस को जो है बेस्ट शू ऑफ द ईयर और बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कंपनी को। कंपनी के डायरेक्टर खुद नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्या गया, हम तो बंद करने वाले थे और ये आज ही कि हमको बेस्ट का अवार्ड मिल रहा है, सब मिल रहा है हमको, और जूता वही है, कोई बदलाव भी नहीं किया हमने, और लोग मांग वही, कोई बदलाव करते लोग बोलते नहीं हमको ये नया ये शू नहीं चाहिए, हमको वही शू चाहिए जो सबसे पहले हम बनाया करते थे आज के 25 साल पहले, सडनली बिकने लगा। वो पता लगाया उनके उनके जो स्टाफ ने कि भाई हो क्या रहा है, ये सडनली हुआ क्या है। मालूम चला कि न्यूयॉर्क के आसपास कुछ नाइट क्लब थे जो थोड़े दूरी पर बने हुए थे, उस नाइट क्लब में कुछ जो यंगस्टर जो यूथ आते हैं वहाँ पे क्लब में, उनमें से कुछ जो है जो अच्छे रिच या संभ्रांत अच्छे परिवार के जो कुछ लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनके बच्चों ने जो है सडनली डिसाइड किया कि यार ये रिवॉक एडिडास हर कोई पहना हुआ है, कोई ट्रेडिशनल शू पहनते हैं और ट्रेडिशनल जो है वो जीन्स पहनते हैं, और फिर जो है काउबॉय के टाइप, काउबॉय मतलब पुराने जमाने के जो था ना कि लूज शर्ट और लूज जीन्स पहन के वैसा गेटअप करके क्लब चलते हैं। वो पहुंचे, लेदर के शूज ढूंढे उन्होंने कि भाई ट्रेडिशनल दिखने वाले लेदर के बूट कहाँ मिलेंगे, तो हस पपीस के बूट मिले, पहने, 10-20 लोगों का ग्रुप था, 200 लोगों ने परचेस किया वो। उनको जब वो क्लब पहुंचे, उनको देख के क्लब के अंदर जो है और लोगों ने देखा, कह रही ये कुछ डिफरेंट टाइप के शूज पहने हुए हैं, हम सब के पास तो रिवॉक एडिडास वाकई सब शू है, ये कुछ अलग पहने हुए हैं, ठीक है कौन से शूज है, पता लगाया उन्होंने, भाई देखो ये तो ये फला आदमी का लड़का ये भी ये पहना है, ये आदमी भी बहुत अमीर ये भी ये पहना है, फिर हस पपीस के शू बिकने लगे वहां पे। फिर वो लोग और अलग क्लब्स में गए, जिसे वायरल इन्फेक्शन फैलता है ना, वैसे ही वो जूतों को देख देख के, ट्रेडिशनल जूते थे, चलन के बाहर हो चुके थे, लेकिन सडनली जो है उनका लोग उनके दिन फिर गए कि लोग ढूंढ ढूंढ के पहन कि भाई वो शू हमको मिल जाए, वो शू शॉप पे जाएंगे बोलेंगे नहीं हमको हस पपीस का वो ट्रेडिशनल शू चाहिए। और ये ट्रेंड पूरे अमेरिका में हो गया और वहां से निकल के यूरोप तक पहुंच गया। आप सोचिए हर नाइट क्लब में लोग जो है लेदर के बूट पहनकर आ रहे थे और जो है वो काउबॉय टाइप की ड्रेस पहनकर आ रहे थे, लोग कूल दिखने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो है वो ट्रेडिशनल हैं, हम जंगल में भी जाते हैं, उस तरह की जो है वो फीलिंग्स लोग जो है वो शो करने की कोशिश कर रहे थे, और हस पपीस जो है वो सडनली एक बड़ा ब्रांड बन गया। अब आप सोचिए यदि कंपनी ने डिसाइड करके 3 महीने ये सब होने के पहले कंपनी ने जूते का प्रोडक्शन बंद कर दिया होता तो क्या होता, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो गए होते, वो निराश हो चुके थे सब लोग, 1.5 साल से बड़े परेशान थे कि फाइनेंस कैसे मैनेज करें, कंपनी के पास इतना फंड आ गया कि कंपनी ने और सारे कई स्टोर आउटलेट खोल दिए। वक्त कब बदलेगा कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्या होने वाला है ये भी कोई कुछ नहीं कह सकता है, बात इतनी सी है कि आप बस प्रयास करते रहिए, इसके दिन फिरते हैं, हमेशा फिरते हैं, बेहतर होता है, और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट बना रहना होता है।
कई बार कई लोग मुझसे भी कहते हैं कि सर जिसे अभी हाल ही में जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन में जो है बाढ़ आ गई चैनल्स के बहुत बड़े बड़े फंडेडेड के, आप देखेंगे कि जो लीडिंग ब्रांड जो आपको दिखाई पड़ते हैं लोग टी शर्टों पर लिखे होते हैं उनकी केवल आप गूगल करके फंडिंग ढूंढेंगे तो उनको जो है वो 2600 करोड़ 2800 करोड़ का फंडिंग मिला है। कई जितने भी पढ़ा रहे हैं टी शर्ट पर नाम लिख के सब दे ऑल आर फंडेड के, एक आध दो को छोड़ो सब फंडेडेड के, और बड़ी बड़ी फंडिंग मिली हुई इनको बहुत तेजी से, टीवी पर भी ऐड आ रहा है इनका, अखबारों में ऐड जा रहा है इन लोगों का के, और यूट्यूब भरा पड़ा है जहां कुछ ढूंढो तो इनका ही खुलता है सब पोस्ट के। तो लोगों ने कहा कि बायोमेंटर्स की ग्रोथ सर स्लो पड़ गई है, हमारा स्टाफ ही हमसे बोलता है कि बायोमेंटर जो है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था वो स्पीड स्लो हो गई है, अब हमारे सब्सक्राइबर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और अब हम शायद मार्केट में, हमारा स्टाफ सोचता है कि रियली क्या हम रिलेवेंट बचे, जबकि उसके बावजूद कि हमने पिछले साल जो है 1086 से अधिक सिलेक्शन मेडिकल में दिए, ठीक है, और हमारे कई बच्चे एम्स दिल्ली एम्स तक पहुंच चुका है बच्चे, हमारे कई बच्चे जो है एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं, हम लगातार कंसिस्टेंट 3 साल से लगातार रिजल्ट दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिल रहा है हमको, और हमारे बच्चे जो हमसे बहुत हार्डली और बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और बड़ा मेहनत करते हैं इनके। और बायोमेंटर्स एक एजुकेशन रिवॉल्यूशन है, पहला यूट्यूब पर चैनल था जिसने कि जो है वो सिस्टमेटिक वे में सब कुछ चीजें प्रोवाइड करना शुरू किया और ये सोचे बगैर कि क्या हमें आउटकम मिलेगा इससे, लेकिन आज ग्रोथ स्लो है। तो मैं यही एग्जांपल अपने स्टाफ को भी दिया कि देखो ऐसा होता है कि आप सिर्फ काम करते रहो, हमें नहीं मालूम हो कि हमारा एक्सपोनेंशियल टिपिंग पॉइंट कब मिलेगा हमको, कब हम जो है वो एकदम से जो है वो एक प्रकार से राइट एंगल में लॉन्च हो जाएंगे ऊपर, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम आज इन कॉम्पिटिशन को देखकर हम निराश नहीं होंगे क्योंकि ये सब रिवोक और एडिडॉस है और हम पुराने हस पपीज हैं, चलते रहेंगे, पुराने हैं, ट्रेडिशनल हैं, अपने तरीके हैं, हम बहुत कूल दिखने की कोशिश नहीं करते हैं, हम बहुत सारी फंकी बातें नहीं करते हैं, हम बहुत सारे जो है वो स्टाइल नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन बात इतनी सी है कि हम पढ़ाते हैं, जो कोर कंटेंट है ना वो प्रोवाइड करते हैं, हमें मालूम है कि हमारा कंटेंट आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगा, हमें मालूम है कि आप यदि मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, हमें मालूम है। हम गिटार बजाकर फंकी टी शर्ट वगैरह फंकी बातें कर और एक प्रकार से जो है इंटरटेन कर खुश रख सकते हैं आपको, हम पर सफल नहीं बना सकते, सफल बनाने के लिए हमें अलग लेवल का आयाम का मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं अपने स्टाफ को यही बोलता हूं कि आप कभी भी जो है हमारी ग्रोथ को देखकर इसको देखकर दुखी मत हुआ करो, आप ये सोचा करो कि पिछली बार हम कहां थे इस बार हम कहां पहुंचे, हम बढ़ ही रहे हैं, हम कम नहीं हो रहे हैं, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारी क्वालिटी में, हमारी गुणवत्ता में, हमारी डिलीवरी में कोई कमी नहीं होना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन हम भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे, एक दिन हम भी 4-5 मिलियन तक पहुंचेंगे, बात इतनी सी है कि हमको कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहना है बगैर प्रभावित हुए, क्योंकि दिन फिरते हैं, वक्त कोई नहीं जानता है, बस कंसिस्टेंसी से प्रयास करते रहने की जरूरत होती है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।